बात यूं रही कि के आसिफ जो कि पेशे से एक टेलर थे, उन्हें मौका मिला फिल्मों में काम करने का। इनके अंकल फिल्मों से ताल्लुक रखते थे और फिल्मों में के आसिफ का नाम बढ़ना शुरू हुआ ही था कि इन्होंने अपने अंकल की महिला मित्र सितारा देवी से इश्क कर डाला और ये इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि इन दोनों ने शादी कर ली। शादी मुकम्मल हुई, फिल्मों में नाम होने लगा और फिर के आसिफ का दिल फिसला निगार सुल्ताना की तरफ। निगार सुल्ताना खुद एक बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री थी। सितारा देवी चुप रही क्योंकि निगार इनकी सहेली थी। और उसके बाद के आसिफ ने एक और शादी की। इनकी अम्मी जान कहती थी कि तुम्हें शादी तो मेरी मर्जी से ही करनी होगी, और बहुत दबाव बनाया और फिरोजा नाम की एक लड़की से शादी कर दी गई इनकी। वो और बात है कि के आसिफ उस लड़की को गांव में ही छोड़कर शहर में बस गए और फिर वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था।